हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ़ ट्रेंगल एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व द इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ सॉल्यूशन ऑफ़ ट्रेंगल लास्ट लेक्चर में हमने ट्वेल्व प्रॉब्लम सोल्व किए थे और उसके पहले के लेक्चर में भी हमने ट्वेल्व प्रॉब्लम सॉल्व किए थे अब तक हमने ट्वेंटी फोर एम सी क्यूज इम्पोर्टेंट सोल्व किए हैं नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सोल्व द नेक्स्ट ट्वेल्व एम सी क्यूज सो एम सी क्यूज नंबर ट्वेंटी फाइव टू

इन द ट्रेंगल ए बी सी इन द ट्रगल एफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र इक्वल टू एट आर स्क्वायेर इफ द कंडीशन इज गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू एट आर स्क्वायेर देन द ट्रेंगल इज किस टाइप का ट्रेंगल फॉर्म होगा एंड द ऑप्शन से राइट एंगल एसोसेलस इक्वल्टरल और स्केलेन ट्रेंगल तो देखते हैं किस टाइप का ट्रेंगल फॉर्म हो सकता है इन द क्वेश्चन नंबर 25 i have given the condition a square plus b square plus c square equal to 8 r square and here my first option is of right angle triangle so first i will check whether it is right angle triangle or not for that i take one simple example i consider the example of uh, right angle triangle and i will take the sides of right angle triangle as 3 4 5 as this is the triplet of pythagoras okay so let this is the triangle abc with the sides 3 4 and its hypotenuse is 5 so let this is the side a this is the side b and this is the side c and i will substitute these values if lhs and rhs will get satisfied then the triangle will be right angle and if the condition is not satisfied the triangle will not be right angle triangle so, if I put a square plus b square plus c square with these values a equal to 3, so it is 9, b equal to 4, b square 16, c equal to 5, c square 25. So, this is my LHS and this LHS is equal to 50. Now, see the RHS, RHS is 8 into r square where r is the circum radius of this triangle.

Circum radius is half of hypotenuse at circumcenter is at the center of hypotenuse. So, this is r. So, radius is half of hypotenuse. So, hypotenuse is 5. So, it will be 5 by 2. So, now we have this r 8 into r square. So, r square will be 25 by 4. So, this will be equal to 50. So, LHS is 50. RHS is also 50. LHS equal to RHS. इट मीन्स दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय द राइट एंगल ट्राइंगल देआर फॉर द ट्राइंगल फॉर्म्ड इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ये मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं सी द अनदर मेथड दैट इफ दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल और नॉट टू चेक इन द लेक्चर ऑफ फॉर्मुलेज ऑफ सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ये मैंने दिखाया भी था कि देयर आर थ्री कंडीशंस ऑफ राइट एंगल ट्रैंगल तीन कंडीशन है राइट एंगल ट्रैंगल की फर्स्ट इज साइंस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू टू स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू वन एंड थर्ड कंडीशन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू एट आर स्क्वेयर दीज आर थ्री वेरी सिंपल कंडीशंस और ये कंडीशंस काफ़ी आप ध्यान में भी रख सकते हैं सो इफ आई यूज साइन रूल फॉर दिस इफ आई यूज साइन रूल तो मेरा साइन रूल ऐसा है ए अपॉन साइन ए equal to B upon sine b equal to C upon sine c equal to 2 r where R is the circumradius of triangle ABC so here a is 2r sine a so my a square will become my a square will become 4 r square into sine square a plus b square will become 4r square into sine square b plus C square will be equal to फोर आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायेर सी इज इक्वल टू एट आर स्क्वायर ओके आई हैव सब्सटेड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एच टू आर साइन ए टू आर साइन बी एंड टू आर साइन सी इन दिस इक्वेशन ना वट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप फोर आर स्क्वा कॉमन फोर आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर इक्वल टू एट आर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू आर स्क्वायर आर स्क्वायर विल बी गेट कैंसल इक्वल टू टू एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन ऑफ राइट एंगल ट्रैंगल राइट एंगल ट्रैंगल की तीन कंडीशन साइन स्क्र ए प्लस टू टू कॉस्क्वायर ए प्लस कॉस्क्वायर बी प्लस कॉस्क्वायर सी इक्वल टू वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू एट आर स्क्वायर तो ये तीन कंडीशन तो स्टैंडर्ड है और काफ़ी सारी कंडीशंस हो सकती है राइट एंगल ट्रेंगल के लिए लेकिन ये तीन कंडीशन आप ध्यान में रखिए ये राइट एंगल ट्रेंगल क्यों बनेगा इसमें से कोई भी एक राइट एंगल कंसिडर कीजिए आइदर ए और बी और सी सपोज द ट्रैंगल इज राइट एंगल एट बी सो एज इज नाइन्टी डिग्री साइन ऑफ बी साइंस स्क्वायर ऑफ़ पाई बाय टू तो इसकी वैल्यू मुझे वन मिलेगी नाउ ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सो ए प्लस सी इज पाई बाय टू सो हेयर ए विल बी पाई बाय टू माइनस सी सो यहाँ पर मेरा एल साइंस स्क्वायर साइन ऑफ़ ए बनेगा साइन ऑफ साइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस सी साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज कॉस थीटा सो दैट विल बी कॉस सी तो मैं साइन ए को लिख सकता हूँ कॉस सी सो दिस विल बी वॉट कॉ स्क्वायेयर सी नाउ सी साइंस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायेयर सी इज ऑल्सो इक्वल टू वन ऑलरेडी साइंस स्क्वायर बी इज़ वन एच बी इज पाई बाय टू सो साइंस स्क्वायेर सी प्लस कॉ स्क्वायेयर सी विल बी अगेल इक्वल टू वन वन प्लस वन विल बी इक्वल टू वॉट टू सो ऐसा भी हम सॉल्व कर सकते हैं

एंड टेन सी एच पी में हैं सो इफ़ एनी थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन एच पी दे आर रेसीप्रोकल्स आर इन ए पी तो रेसीप्रोकल ऑफ़ टेन इज कॉट सो दिस इम्प्लाइज कॉट ए काट बी कॉट सी होगा ए पी में एंड द कंडीशन ऑफ ए पी इज इफ़ ए बी सी आर इन ए पी दैन टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी

साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी अपॉन साइन सी अब मैं इसे साइन रोल यूज़ करूँगा साइन बी इज बी के साइन ए इज ए के साइन सी इज सी के सो के विल गेट कैंसल सो इट विल बी टू बाई बी इंटू कॉस ऑफ बी टू बाई बी साइन बी यानी बी के साइन ए यानी ए के साइन सी इट सी के के विल गेट कैंसल सो इट इज टू बाई बी इंटू कॉस बी कोसाइन रूल्स करेंगे यहाँ पे ए होगा वन बाय ए इंटू कॉस ए और ये होगा वन बाई सी इंटू कॉस सी सो कोसाइन रूल यूज करने का है सो वट विल बी कॉस बी कॉस बी बाय कोसाइन रूल सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी

दिस टू ए बी सी दिस टू ए बी सी एंड दिस टू ए बी सी विल गेट कैंसल नाउ हियर इज टू इन टू सो इट इज टू ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायेयर विल बी इक्वल टू तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसल हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो जाएगा टू बी स्क्वायेयर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी गेट कैंसल सो इट इज टू बी स्क्वायेयर So, like this, it is a square plus c square minus b square equal to b square, and this will be equal to a square plus c square is equal to two b square. So, as a plus a square plus c square equal to two b square, a it means a square, b square, c square. This means. ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेर आर इन ए पी ए स्क्वायर बी स्क्वेयर सी स्क्वेर ए पी में हो गए दिस इज द कंडीशन फॉर ए पी सो ए पी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर सी सो दिस वॉज ट्वेंटी सिक्स नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवेन सो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर ऑल द एम सी are सेलेक्टेड आर वेरी 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 MHT फॉर एम एच टी सी टी इस वीडियो को आखिरी तक देखिए सभी एम सी सेलेक्टेड है एंड इसी टाइप के क्वेश्चन सीट एग्जाम में पूछे जाते हैं सो सी ट्वेंटी सेवन वॉट डज द माई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन सेथ इफ द एंगल्स ए बी सी ऑफ द ट्रैंगल आर इन ए पी ट्रैंगल ए बी सी के एंगल्स ए बी ए बी सी ए पी में हैं तो यहाँ से हमें झट से पता चलना चाहिए कि अगर एंगल्स ए बी सी ए बी से आर इन ए पी एंगल बी इज़ इक्वल टू वाट सिक्सटी डिग्री एंगल बी सिक्सटी डिग्री होगा साइड से बी सी आर इन जी पी ओके सो so, एंगल ए बी सी अगर ए पी में हैं सो इट मीन्स एंगल बी इज़ इक्वल टू सिक्सटी डिग्री एक कैसे आता है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री सो एच टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होगा टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होगा थ्री बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा थ्री बी इक्वल टू वन एटी होगा बी इक्वल टू सिक्सटी होगा नाउ स्मॉल ए बी सी दैट इज साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन जी पी सो इट मीन्स बी इज इक्वल टू ए सी ए बी सी जी पी में है So, B square will be equal to A C and angle a, a b c are in G P therefore A P therefore angle B is equal to what 60 degree. So, I have to find then A square, B square, C square are in A square B square C square are in either A P, G P H P, A G P. So, as I know the angle B I will use the cosine rule for angle B cos b is equal to what? A square plus c square minus b square upon 2 a c. Cos of b that is cos of 60, cos of 60, 1 by 2, this 2 2 will get cancelled. And like this, this is a square plus c square minus b square equal to a c, and this a c is now my what b square. So, again I have this a square plus c square equal to 2 b square. So, therefore, a square b square c square are in what a p. So, a p is the answer to this question. एंड दिस इज इन द ऑपन फर्स्ट तो पहला ही आंसर करेक्ट है सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं ट्वेंटी एट सी दोल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट एंड सी द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट क्वेश्चन ने मुझे दिया है इफ़ टेन एज फाइव बाई सिक्स टेन ए बाई टू फाइव बाई सिक्स टेन सी बाई टू टू बाई फाइव दैन ए बी सी ए सी बी बी एस सी ये ए बी सी की कौन सी सीरीज़ ए पी में होगी ओके सो आई हैव दिस टेन ए बाई टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट सोलूशन आई हैव गिवन द वैल्यूज ऑफ टेन ए बाई टू तो टेन ए बाई टू मेरा फाइव बाई सिक्स है एंड टेन ऑफ सी बाई टू इज़ गिवन एच टू बाई फाइव अब मुझे फाइंड आउट करने का है आइदर ए बी सी बी ए सी सी ए बी ए पी में ए बी सी की कौन सी सीरीज ए पी में होगी तो सोचिए क्या कर सकते हैं सेपरेटली टेन ए बाई टू टेन सी बाई टू के फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो रिलेशन नहीं मिलेगा ऑब्जर्व दिमाग थोड़ा चलाओ क्या कर सकते हैं सो एज़ दिस वैल्यूज़ मुझे इस वैल्यू से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो ये फाइव फाइव कैंसिल हो जाएगा टेन ए बाई टू इंटू टेन सी बाई टू का प्रोडक्ट वन बाई थ्री आएगा फिर मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ देन ओनली आई कैन फाइंड दिस रिलेशन ऑफ ए बी सी ओके सो आई विल मल्टीप्लाई टेन ए बाई टू बाई टेन सी बाई टू सो इट विल बी फाइव बाई सिक्स इंटू दिस टू बाई फाइव विच इज इक्वल टू वन बाई थ्री सो धिस इज माई टेन ए बाई टू रूट ऑफ दिस बाई इंटू टेन ऑफ सी बाई टू रूट ऑफ दिस बाई वल टू दिस सो वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टेन ए बाई टू फार्मूले आर इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज को ध्यान में रखिए टेन ए बाई टू क्या होता है रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन यस इंटू एस माइनस ए टेन सी बाई टू अपॉन में यस इंटू एस माइनस सी तो बचा हुआ s minus a into s minus b okay what will happen now so this s minus a s minus a will get cancelled this s minus c s minus c will get cancelled okay s minus b into s minus b root of s minus b into s minus b is s minus b upon root of s into root of s is yes a b c a b c right okay सो दिस इज इक्वल टू वन बाई थ्री तो यहाँ से मुझे मिलेगा थ्री एस माइनस थ्री बी थ्री एस माइनस थ्री बी इक्वल टू क्या मिलेगा यस और थ्री एस माइनस यस होगा टू एस इक्वल टू थ्री बी टू एस इज पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी यस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई टू टू एस इज ए प्लस बी प्लस सी सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री बी एंड लाइक दिस ए प्लस सी इज़ इक्वल टू थ्री बी माइनस बी थ्री बी माइनस बी कितना होगा टू बी सो ए प्लस सी इक्वल टू टू बी मिला है इसका मतलब ए बी सी इट मीन्स ए बी सी आर इन ए पी ऑप्शन चेक कीजिए फर्स्ट ऑप्शन है ए सी बी इज इन ए पी ए बी सी आर इन ए पी ए बी सी आर इन ए पी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन को सॉल्व करते हैं सी द सॉल्यूशन ऑफ ट्वेंटी नाइन इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज ऑफ सोल्यूशन ऑफ ट्रैंगल फॉर एम एच टी सी टी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन सी द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ऑन द बोर्ड सो आई हैव दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इन ट्रैंगल ए बी सी कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू आर इन ए पी ट्वेंटी नाइन गिवन कंडीशन इज कॉट ए बाई टू काट बी बाय टू काट सी बाई टू आर इन ए पी ओके देन द साइड्स ए बी सी आर इन देन द साइड्स ए बी सी आर इन ऑप्शन है ए पी जी पी एच पी ए जी पी ओके तो ए पी की ही कंडीशन यूज करते हैं एज दिस कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू आर इन ए पी टू इन टू दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस टू इंटू मिडल वाला इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट राइट अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्वाट ए बाई टू कॉट बी बाई टू क्वाट सी बाई टू की तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मुले है टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू के फॉर्मूले मेरे पास है उनका रेसिप्रोकल करके मुझे क्वाट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू लिख सकता हूँ लेकिन उससे भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा आंसर भी मिलेगा बट नाउ हियर आई विल नॉट यूज़ द फार्मूला डायरेक्टली क्योंकि थोड़े कम स्टेप्स में मैं आंसर लाना चाहता हूँ ओके स्टूडेंट्स तो मैं करता हूँ टेन ए बाई टू का मेरे पास फार्मूला ऐसा है मुझे इसको डेल्टा में कन्वर्ट करके सॉल्व करूँगा मैं इसको डेल्टा में कन्वर्ट करके सॉल्व करूँगा सो हेर इज टेन ए बाई टू का फार्मूला है मेरा रूट ऑफ यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी इंटू यस अपॉन यस इंटू एस माइनस ए सो इफ आई दिस इज़ द ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ टेन ए बाई टू एक एडजस्टमेंट करता हूँ इसे रूट ऑफ़ यस माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस द फॉर्मूला ऑफ टेन ए बाई टू बाई रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस ए अब देखिए इन ऊपर का प्रोडक्ट देखिए रूट ऑफ़ यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी दिस इज़ द एरिया ऑफ़ ट्रेंगल एरिया ऑफ़ ट्रैंगल का फॉर्मूला डेल्टा में डेल्टा में रूट ऑफ़ यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ऊपर तो वही दिख रहा है सो दिस इज़ डेल्टा अपॉन ये रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस ए इंटू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस इज यस इंटू एस माइनस ए तो टेन ए बाई टू है मेरा अब इतना बड़ा मैं ये फार्मूला यूज़ कर सकता था लेकिन थोड़े कैलकुलेशंस ज़्यादा होंगे तो मैंने इसको अवॉइड किया है ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा ये छोटा है सिंपल है यूजिंग दिस फार्मूला आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम तो ये है टेन ए बाई टू मुझे लिखने का है कॉट ए बाई टू तो रेसिप्रोकल ऑफ टेन इज कॉट तो इसका रेसिप्रोकल होगा यस इंटू यस माइनस ए बाई डेल्टा तो सिमिलरली क्वाट सी बाई टू क्या होगा यस इंटू यस माइनस सी बाय डेल्टा एंड टू टाइम्स क्वाट बी बाई टू होगा यस इंटू यस माइनस बी बाई डेल्टा तो इसको आप ऑब्जर्व कीजिए मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया है सो दैट कैलकुलेशंस को थोड़ा अवॉइड करते हैं अब इसको सॉल्व करना इजी है दिस इज इजी टू सॉल्व ओके सो so, यहाँ से डेल्टा गायब हो जाएगा पूरा ये पूरा डेल्टा गायब ये देखिए डेल्टा तो पूरा गायब हो जाएगा इस यस को भी मैं गायब कर देता हूँ अब बचा टू इंटू यस माइनस बी टू यस माइनस टू बी एस प्लस यस टू यस माइनस ए प्लस सी समझ में आ रहा है डेल्टा गायब यस गायब यस बाय डेल्टा कॉमन लेंगे तो इस एस बाई डेल्टा से कैंसिल हो जाएगा ये टू एस माइनस टू बी एस प्लस s दिस यस प्लस धिस यस यस प्लस यस टू एस माइनस ए माइनस सी ए प्लस सी तो ये टू एस टू एस को भी मैं गायब कर देता हूँ माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी देखिए डेल्टा का फॉर्मूला यूज करके सिर्फ तीन स्टेप में आंसर मिला है लेकिन आप पहले ओरिजिनल वाला फार्मूला यूज़ करते तो थोड़ा लंबा हमको सॉल्व करना पड़ता था आंसर आता था लेकिन टाइम लग जाता था सो हियर टू बी इक्वल टू ए प्लस सी इट मीन्स अगेन ए बी सी आर इन वॉट ए पी ए बी सी आर इन ए पी ट्वेंटी नाइन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट पहला ऑप्शन करेक्ट है ट्वेंटी नाइन का नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टी नंबर का क्वेश्चन देखिए ऑब्जर्व द क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या दिया है और क्या पूछा है वट वी हैव टू फाइंड इन द थर्टी आई गिवन वन कंडीशन ए इंटू कॉस्क्वेयर ऑफ सी बाई टू प्लस सी इंटू कॉस्क्वेयर ऑफ ए बाई टू इक्वल टू थ्री बी बाई टू देन द साइड्स ऑफ द ट्रेंगल इन सी द क्वेश्चन नंबर थर्टी ओके सो दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम आपके टेक्सट बुक का ही क्वेश्चन है और इस लेक्चर में ए पी जी पी जरा ज्यादा क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं सो सी सॉल्यूशन ऑफ थर्टी गिवन इक्वेशन इज ए टू कॉ स्क्वायर ऑफ सी बाई टू ए टू कॉ स्क्वेयर ऑफ सी बाई टू प्लस सी टू कॉ स्क्वायर ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू थ्री बी बाई टू तो ए बी सी का रिलेशन मुझे मिलेगा यहाँ से इसको सॉल्व करके सो स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर थीटा बाय हाफ एंगल भी यूज कर सकते हैं मेरे पास फॉर्मूले है ऑलरेडी कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू के रूट के स्क्वायर हो तो रूट गायब करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ बट इंस्टेड ऑफ़ दैट आई विल यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सो वन प्लस कॉस ऑफ थीटा होता है वन प्लस कॉस ऑफ थीटा क्या होता है टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू सो दिस कॉसक्वायेयर ऑफ थीटा बाई टू इज वन प्लस कॉस थीटा बाई टू सो दिस कॉ स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू इज वन प्लस कॉस थीटा बाई टू सो कॉस स्क्वायेयर सी बाई टू को क्या लिख सकता हूँ मैं वन प्लस कॉस सी बाय टू प्लस सी सिमिलरली कॉसक्वायर ए बाई टू को क्या लिख सकता हूँ वन प्लस कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू थ्री बी बाई टू ओके स्टूडेंट्स यूजिंग दिस फॉर्मूला अब इसको सॉल्व करते हैं नाउ वे विल सॉल्व दिस अब ये तो सारा सिंपल है ये टू टू गायब हो जाएगा ए टू टू विल गेट कैंसल अब ए से मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस ए कॉस सी प्लस सी प्लस सी कॉस ए इज इक्वल टू थ्री बी ऑब्जर्व दिस टू टर्म्स इसे ऑब्जर्व कीजिए क्या दिखाई दे रहा है नज़र आ रहा है प्रोजेक्शन रूल प्रोजेक्शन रूल इज़ वेरी इजी फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस ही इतनी होनी चाहिए कि उसे देखते ही हमारे सामने उसका आंसर और रिजल्ट आना चाहिए ओके सो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए इज प्रोजेक्शन रूल दिस ए प्लस सी एज इट इज एंड दिस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए क्या होता है बी प्रोजेक्शन रूल प्रोजेक्शन रूल देखिए ऑब्जर्व कीजिए इज इक्वल टू थ्री बी एंड दिस इज ए प्लस सी इक्वल टू अगेन टू बी एंड लाइक दिस अगेन ए बी सी आर इन ए बी सी आर इन वॉट ए पी सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन ए पी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द ऑप्शन ए सो दिस वाज़ द क्वेश्चन नंबर थर्टी नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन थर्टी वन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन नाइस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को रेयरली कुछ स्टूडेंट्स ने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को नहीं देखा होगा क्योंकि इसमें भी एक अलग टेक्निक है इजिली सॉल्व नहीं होगा देर इज़ वन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन दिस क्वेश्चन सो इन दिस क्वेश्चन नंबर थर्टी वन आई हैव कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू फोर साइन स्क्वायेयर सी बाई टू देन द साइड्स ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी आर इन सो थर्टी वन का गिवन इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ कॉसे प्लस कॉस बी इज इक्वल टू फोर इन टू साइंस स्क्वेयर ऑफ सी बाई टू ओके तो इसे मैं यूज़ करूँगा कॉस सी प्लस कॉस डी फैक्टोराइजेशन का थर्ड तीसरा फॉर्मूला टू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू फोर इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ सी बाय टू सो इंदर ट्रैंगल ए बी सी वॉट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंदर ट्रेंगल ए बी सी कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू होता है साइन सी बाई टू फॉर्मुलेट्स इन द ट्राइंगल ए बी सी कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू साइन सी बाई टू होता है तो ये कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इसके एक साइन सी बाई टू से कैंसल हो जाएगा बहुत इक्वल अब रिमेनिंग कंडीशन देखते हैं ना हीयर इज टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू हेयर इज्स टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू फोर इंटू साइन ऑफ सी बाई टू एक साइन तो कैंसिल है अब सोचिए क्या कर सकते हैं वट वी कैन डू वी कैन डिवाइड दिस फोर बाई टू अल्सो लेकिन मैं डिवाइड नहीं करूँगा इर इज़ वन इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट एंड दैट एडजस्टमेंट इज आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू दिस कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू एज इट इज ये टू एज इट इज ए कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू एज इट इज एक्स्ट्रा में मैंने मल्टीप्लाई किया है कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू से सो इट इज फोर इंटू साइन ऑफ सी बाई टू इंटू यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करता हूँ कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई दिस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू अब देखिए दिस विल बी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू यही मिला है टू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू तो इसको फिर से मैं लिख सकता हूँ सॉरी सॉरी हेयर इज समथिंग रॉन्ग फिर से क्वेश्चन के तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे साइन ले लेता हूँ ओके okay. यहाँ पे भी मैं साइन ले लेता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू ओके अब देखिए टू साइन ऑफ टू कॉस्ट ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू सो एंड दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू अब देखिए ये टू ऑफ ए माइनस बी बाई टू एज इट इज ए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इस तरह से कन्फ्यूजन होता है ओके टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू एज इट इज़ फोर साइन सी बाई टू एज इट इज़ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू सो टू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इन टू कॉस्ट ऑफ ए माइनस बी बाई टू इज द फैक्टोराइजेशन फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी साइन ए प्लस साइन बी साइन ए प्लस साइन बी क्या होगा टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू इट इज़ राइट नाउ अब देखिए ये टू इंटू टू इंटू साइन ऑफ सी बाई टू एंड अगेन दिस साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इज़ वॉट कॉस सी बाई टू अगेन दिस साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इज वॉट कॉस सी बाई टू सो यहाँ से मुझे मिल गया है साइन ए प्लस साइन बी इच टू

तो ए सी बी आर इन ए पी सोल्यूशन को एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए वंस अगेन सी द सोल्यूशन कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाया है कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू इसका एक साइन सी बाई टू कैंसल होगा क्योंकि कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू साइन सी बाई टू ये टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू फोर साइन ऑफ सी बाई टू दिस एज इट इज दिस एज इट इज़ यहाँ पे एडजस्टमेंट किए हैं मैंने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू सो टू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू इथ साइन ए प्लस साइन बी एंड दिस इज फोर साइन सी बाई टू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इज अगेन कॉस सी बाय टू सो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू इथ साइन सी ए के प्लस इक्वल टू टू सी गेट कैंसिल ए प्लस बी इक्वल टू टू सी ए सी बी आर इन ए पी एंड ए पी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन विच इज़ इन द फर्स्ट ऑप्शन ए सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नाउ सी द क्वेश्चन नंबर थर्टी टू थर्टी टू देखिए सी द सॉल्यूशन ऑफ थर्टी टू सी ऑन द बोर्ड क्वेश्चन नंबर थर्टी टू थर्टी टू देखिए क्या दिया है इन ट्राइंगल एबीसी cot ए बाई टू कॉट बी बाय टू कॉट सी बाय टू आर इन ए पी सी द थर्टी टू क्वाट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू आर इन ए पी सो इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन क्वाट ए बाय टू क्वाट बी बाय टू क्वाट सी बाय टू ए पी में है सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इच्स ट्रू जस्ट वी हैव सीन द रिजल्ट ऑफ दिस इफ कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू एंड कॉट सी बाई टू आर इन ए पी इन ट्रैगल ए बी सी देन द साइड्स ए बी सी आर ऑल्सो इन ए पी बट अगर साइड्स ए बी सी ए पी में है तो उसका यूज़ करके हम इन ऑप्शन को नहीं चेक कर सकते सो देर इज वन ट्रिक लेट ए बी सी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री ए बी सी सिक्सटी डिग्री कंसिडर कर लेती बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन ऑफ ट्रैंगल के क्वेश्चन हैं जिसमें आप ट्रैंगल के एंगल्स को 60 60 60 90 45 45 30 60 90 ऐसा एंगल्स कंसीडर करके ऑप्शंस सही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये एपी में होगा ही क्योंकि तीनों नंबर सेम हो गए कॉट सिक्सटी काट सिक्सटी काट सिक्सटी इबदा नंबर सार सेम इक्वल नंबर सारे पी विथ कॉमन डिफरेंस जीरो होगा लेकिन एपी में हो गए तो ऑप्शंस चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन दिया है मुझे काट ए बाई टू इंटू काट बी बाई टू इक्वल टू फोर कॉट ए बाई टू इंटू काट बी बाई टू इक्वल टू फोर सो ए बाई टू होगा थर्टी टेन थर्टी वन बाय रूट थ्री तो ये होगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री इक्वल टू थ्री लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट कितना दिया है फोर दिस इज़ रॉन्ग सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं सो सेकेंड ऑप्शन है क्वाट ए बाय टू इंटू कॉट सी बाय टू कॉट ए बाय टू इंटू कॉट सी बाय टू इक्वल टू थ्री दिस इज द सेकेंड ऑप्शन नाउ इट इज सेटिस्फाइड क्वाट ए बाय टू इज रूट थ्री कॉट सी बाय टू इज रूट थ्री कॉट थर्टी इंटू कॉट थर्टी रूट थ्री इंटू रूट थ्री इक्वल टू थ्री राइट सो दिस इज द करेक्ट क्वाट बाय टू कॉट सी बाय टू इक्वल टू थ्री सो दिस इज द सोल्यूशन टू दिस आंसर एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट सो दिस वॉज थर्टी टू सी द नेक्स्ट थर्टी थ्री वेरी नाइस क्वेश्चन थर्टी थ्री थर्टी थ्री क्वेश्चन देखिए सी द क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री वेरी बेस्ट क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन में हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी वेरी नाइस क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन सी टी में पूछा जा सकता है बेस्ट क्वेश्चन है लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी एंड ए डी सी जिक्यूलेटर ट्रेंगल देन ए ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर इसका रेशो हमें पूछा okay, है ओके सीधा थर्टी थ्री है थर्टी थ्री ये मेरा ट्रेंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी ये ट्रेंगल ए डी सी इक्विलेटरल है सिक्सटी सिक्स टी सिक्सटी इक्वल 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 ए डी सी इज इक्वल ट्रेंगल सो आई हैव टू फाइंड द रेशियो ए स्क्यर इज टू बी स्क्वेयर इज टू सी स्क्वेयर सो बी सी की लेंथ ए होगी ए सी की लेंथ बी होगी ए बी की लेंथ सी होगी सो लेट दिस इज एक्स दिस इज एक्स दिस इज एक्स बट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी डी सी इक्वल टू बी डी तो देर फॉर धीस इज ऑल्सो एक्स आर यू गेटिंग आर नॉट D is the midpoint of BC. DC equal to BD. DC is x. Therefore, BD is also x. So this is x. This is x. This is, x, this is 60. So this is what? 120. This is what 120. अब ये दोनों साइड हमें पता है BC आएगा 2x, AC आएगा x. हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा AB. तो AB के लिए दोनों साइड्स पता है ये एंगल पता है इन ट्रैंगल ADB कोसाइन सा इंट्रोड्यूस करेंगे कॉस ऑफ 120 ट्वेंटी कोसा इंट्रोड्यूस करेंगे कॉस ऑफ 120 ट्वेंटी सो कॉस ऑफ 120 क्या होगा कॉस ऑफ 120 ट्वेंटी कॉस ऑफ डी क्या होगा ये देखिए ऐसा ट्रेंगल है ए डी बी तो इसका कॉस इसका कॉस्ट क्या होगा कॉस ऑफ डी इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन टू ए डी इंटू बी डी इस तरह से यूज करने का है सो कॉस ऑफ वन ट्वेंटी इज दिस एक्स स्क्वायेयर प्लस दिस एक्स स्क्वायेयर माइनस अपोजिट वाला ए बी स्क्वायेयर अपॉन टू इंटू एक्स इंटू एक्स दिस इज द कोसाइन रूल समझ में आया होगा फॉर एक्जाम्पल कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी इस तरह से मैंने यूज़ किया है अब ये कॉस ऑफ वन ट्वेंटी कितना होता है माइनस वन बाई टू तो ये टू टू कैंसिल होगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वा सो ए बी स्क्वायर मिलेगा थ्री एक्स स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर मिल गया है थ्री एक्सक्वायर ओके अब मुझे रेशो फाइंड आउट करने का है ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर ओके तो ए स्क्वायर यानी बी सी ए स्क्वायर यानी वॉट बी सी स्क्वायर नोटेशन नोटेशंस, बी स्क्वायर बी स्क्वायर यानी बी यानी ए सी तो बी स्क्वायर यानी क्या होगा ए सी स्क्वायर और सी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी क्या होगा ए बी स्क्वायेर राइट सो बी सी स्क्वायर बीसी स्क्वायर देखिए बी सी कितना है एक्स प्लस एक्स टू एक्स तो टू एक्स का स्क्वायर होगा फोर एक्स स्क्वायर राइट ए सी स्क्वायर ए सी कितना है एक्स सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायेर यहाँ पे मेरा कितना है थ्री एक्स स्क्वायर देयर फॉर द रेश ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज फोर इज टू वन इज़ टू थ्री एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दिस इज इन द सेकेंड ऑप्शन बी बी इज द करेक्ट टू दिस क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ओके सो दिस इज़ द थर्टी थ्री सी द नेक्स्ट सोलूशन थर्टी फोर थर्टी फोर देखें सो इस जैसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ये जो थर्टी थ्री है थर्टी फोर हैं ऑल दिज क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एम एच टी सी टी टोटल थर्टी सिक्स प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं सोल्यूशन ऑफ ट्रा एंगल के ओके सो स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट थर्टी फोर ए भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है थर्टी फोर क्या दिया है इन द क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर सी इन एंगल ए बी सी ए इक्वल टू थ्री सी एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस सी अपॉन टू सी गिवन रिलेशन बिटवीन एंगल्स इज ए इक्वल टू थ्री सी एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस सी अपॉन टू सी ओके साइन रूल लगा देता हूँ साइन ए माइनस साइन सी अपॉन टू सी इज साइन सी साइन रूल के साइन ए माइनस के साइन सी अपॉन टू इन के साइन सी ऊपर का के नीचे का के कैंसिल। अब ए को लिखता हूँ मैं थ्री सी साइन थ्री सी माइनस साइन सी अपॉन टू साइन सी साइन थ्री सी साइन थ्री सी माइनस साइन ए सी साइन टू सी ऐसा नहीं होता है सो so, ऐसा नहीं होता है। साइन सी माइनस साइन डी यूज़ करना पड़ेगा फैक्टोराइजेशन का सेकंड फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी सो इट इज टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय टू थ्री सी प्लस सी फोर सी बाय टू टू सी इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाय टू थ्री सी माइनस सी टू सी टू सी बाय टू एक सी अपॉन दिस टू साइन सी टू टू गेट कैंसल साइन सी कैंसल कॉस ऑफ टू सी तो ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन देखिए साइन बी बाई टू साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू इज देर एनी मिस्टेक इन सॉल्विंग दिस ए इक्वल टू थ्री सी दिया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की है साइन ए माइनस साइन सी अपॉन टू साइन सी के कैंसिल इक्वल टू थ्री सी साइन सी माइनस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू फोर सी बाई टू टू सी सी माइनस डी बाई टू थ्री सी माइनस सी टू सी बाई टू सी साइन सी साइन सी टू टी कैंसिल करेक्ट बट कॉस टू सी इज नॉट इन द ऑप्शन क्या करें सोचिए क्या करना पड़ेगा इसका हमें फिर से यूज करना पड़ेगा प्रॉब्लम इज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रेंगल ट्रैंगल की कंडीशन फिर से यूज करेंगे तभी हमें करेक्ट आंसर मिलेगा सो स्टूडेंट्स देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई ए इज थ्री सी थ्री सी प्लस सी होगा फोर सी इक्वल टू पाए माइनस बी थ्री सी प्लस सी फोर सी इक्वल टू पाए माइनस बी टू सी इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस बी टू सी डिवाइड कीजिए टू सी इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस बी नाव कॉस ऑफ टू सी को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय टू माइनस टू सी इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस बी बाय टू टू से डिवाइड किया है सो व्हाट इज़ कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस बी बाय टू कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज साइन थीटा सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज साइन ऑफ b बाय 2 एंड साइन ऑफ b बाय 2 इज़ इन द फस्ट ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके स्टूडेंट्स सो दिस वॉज थर्टी फोर वेरी बेस्ट एंड ऑफ सोलूशन ऑफ ट्रैंगल फॉर एम एच टी सी टी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं थर्टी फाइव सी द नेक्स्ट थर्टी फाइव दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी गुड प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए ऐसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं तो उसको आप नोट करो ध्यान में रखो रिवाइज करो फॉर्मूलेस भी आपके सब एक जगह पे होने चाहिए फार्मूला बुक भी आपकी मेनटेन होनी चाहिए लास्ट मिनट रिविजन के लिए फार्मूला बुक को रिवाइस करो ओके सो सी थर्टी फाइव थर्टी फाइव क्या दिया है इन द थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव सी पाई बाय टू एंगल सी इज पाई बाय टू ट्र इज राइट एंगल डेट सी आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके एंगल सी इज पाई बाय टू आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके सो एंगल सी इज पाई बाय टू ए बी सी सी ए बी सी पाई बाय टू है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं सी स्क्वायर लिख देता हूँ दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज राइट अब मैं लगा देता हूँ साइन रूल ए बाय साइन ए बाय साइन ए क्या होगा के तो ए स्क्वायर होगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बी स्क्वायर होगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी सी स्क्वायर होगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी ऊपर का के स्क्वायर नीचे का के स्क्वायर कैंसल राइट अब ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट रिजल्ट साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के दो रिजल्ट है वन इज साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी अनदर इज कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी माइनस कॉस्क्वायेरी सो साइन ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी स्टैंडर्ड रिजल्ट है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी बी माइनस स्क्वेयर अपॉन सी साइन स्क्वायर सी तो सी मेरा पाई बाय टू है साइन ऑफ पाई बाय टू इज़ वन एंड अगेन दिस साइन ऑफ ए प्लस बी इन द ट्राएंगल साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन सी इन द ट्राएंगल ए बी सी साइन ऑफ ए प्लस बी साइन सी इंटू दिस साइन ऑफ ए माइनस बी अगेन सी इज पाई बाय टू साइन साइन ऑफ पाई बाय टू इज़ वन so this is one this is the answer to this question sine of a minus b which is in the second option so this was 35 best question now see the last 36 last 36 36 the key question number 36 of solution of triangle for mstct very best question 36 in the 36 what we have given see the question carefully इन ट्रैगल ए बी सी बी इंटू कॉस ऑफ सी प्लस थीटा प्लस सी इंटू कॉस ऑफ बी माइनस थीटा क्या होगा बी इंटू कॉस ऑफ सी प्लस थीटा प्लस सी इंटू कॉस ऑफ बी माइनस थीटा ये हमें फाइंड आउट करने का है ओके फॉर्मूले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी बी कॉस सी इंटू कॉस थीटा प्लस है तो माइनस बी साइन सी इंटू साइन थीटा कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस सी कॉस ए कॉस बी कॉस बी इंटू कॉस थीटा माइनस है तो प्लस साइन बी फिर से सी इंटू साइन बी इंटू साइन थीटा राइट नाउ ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कुछ टर्म्स कॉमन निकलती है या नहीं निकल सकता है यहाँ का कॉस थीटा यहाँ का कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे टेकिंग कॉस थीटा कॉमन तो ये मेरा कॉस थीटा कॉमन बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी एंड यहाँ से मेरा थीटा कॉमन सो टेकिंग थीटा कॉमन तो ये बनेगा सी साइन b माइनस बी इंटू साइन सी ना वट इज बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी फिर से वही मैंने बार बार आपको बोला है कि फॉर्मूले अच्छी तरह से कीजिए सो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी इज इक्वल टू ए बाई प्रोजेक्शन रूल इसमें ए नहीं दिख रहा है प्रोजेक्शन रूल को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ईजी है जो लेटर आपको नहीं दिखाई देता वो इक्वल टू तो होता है B है C है A नहीं है दिस इज A, दिस इज वॉट A बाय प्रोजेक्शन रूल B cos C प्लस सी कॉस बी इज इक्वल टू ए सो ए इंटू कॉस थीटा ए इंटू कॉस् थीटा अब आगे का क्या करेंगे ऑप्शन में तो है ही नहीं ए कॉस थीटा दिख रहा है यानी यही आंसर है इसका मतलब ये जीरो होने वाला है दिस इज जीरो हाउ दिस इज जीरो हाउ दिस इज जीरो साइन थीटा इंटू सी साइन बी माइनस बी साइन सी साइन रूल को देखिए साइन रूल को देखिए बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी साइन रूल तो बी साइन सी और सी साइन बी सेम है बी साइन सी और सी साइन बी सेम है देखिए सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू जीरो होगी जीरो इंटू दिस ये भी जीरो कंप्लीट होगा और मेरा आंसर मिलेगा ए कॉस्थीटा ए कॉस्थीटा इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दिस इज इन द सेकेंड ऑप्शन बी सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ़ दिस क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स तो स्टूडेंट्स टूडेज लेक्चर वॉज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सभी ट्वेल्व क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है फॉर एम एच टी सी टी सो टोटली वी हैव सॉल्व थर्टी सिक्स एम सीक्यूड्स एंड वन लेक्चर ऑफ इम्पोर्टेंट फार्मूलेस सो टोटली वी हैव कंडक्टेड फोर लेक्चर्स ऑन सोलूशन ऑफ ट्रेंगल सो सभी लेक्चर्स को आप सीरियसली केयरफुली देखें एंड दिस वॉज द एंड ऑफ सोल्यूशन ऑफ ट्रेंगल इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थर्ड पार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे दैट लेक्चर इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट तो वेट कीजिए ऑफ द लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में